भिवंडी के वलपाड़ा स्थित कैलाश नगर के वर्तमान कंपाउंड में शनिवार की दोपहर लगभग 2:45 बजे भूमि तल सहित 2 मंजिल की एक इमारत अचानक ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। इस घटना में फायर ब्रिगेड और एनडीआर की टीमों ने 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। आकांक्षा है कि करीब 22 लोग अभी भी बिल्डिंग के मलबे में दबे हुए हैं। 20 घंटे से ऊपर हो गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वर्तमान कंपाउंड में इंद्रपाल गुरुनाथ पाटिल की ओर से 2014 में घर नंबर 1992 की भूमि तल सहित 3 मंजिल की इमारत बनाई गई थी। इस इमारत की 3री मंजिल के ऊपर पतरे का सेट लगाया गया था। 3री मंजिल पर 4 परिवार पतरे के सेट में 4 परिवार रहते थे। दुर्घटना के समय इमारत की 3री मंजिल पर छोटे बड़े 5 पतरे के सेट में 9 लोग सहित कुल 14 लोग फंसे हुए थे। पहली मंजिल पर 15 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे और 7 बाहर आ गए थे। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार 8 परिवार के 14 लोग एवं 8 मजदूरों सहित कुल 22 लोग इमारत के अंदर फंसे हुए थे। इमारत हादसा में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका टीवी न्यूज। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।